शोले। शोले भारत की सफलतम फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी थी। गली गली फिल्म के डायलॉग्स गूंजे, पक्के दोस्तों को जय वीरू कहा जाने लगा, तो बक बक करने वाली लड़कियों को बसंती की उपमा दी जाने लगी। माओ ने अपने छोटे बच्चों को गब्बर का डर दिखाकर सुलाया। भारतीय जनमानस पर इस फिल्म का गहरा असर हुआ था। 38 वर्ष बाद भी इस फिल्म को 3D में परिवर्तित किया और रिलीज कर दिया गया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले को पूरे 46 वर्ष हो चुके हैं। इस फिल्म से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। पेश है शोले के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। शोले जब रिलीज हुई थी तो शुक्रवार और शनिवार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को सफलता नहीं मिली। भारी बजट की भव्य फिल्म का ये हाल देखकर निर्देशक रमेश सिप्पी बहुत चिंतित हुए। रविवार को उन्होंने अपने घर पर मीटिंग रखी, जिसमें लेखक सलीम जावेद को भी बुलाया गया। फिल्म के कमजोर प्रदर्शन का अर्थ ये निकाला गया कि अंत में अमिताभ बच्चन के किरदार की मौत को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदला जाए। लोकेशन पर पहुंचकर वह नया अंत शूट कर लेंगे और बाद में फिल्म से जोड़ देंगे। सलीम जावेद को नया अंत लिखने की जिम्मेदारी दी गई। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि जल्दबाजी करने के बजाय एक दो दिन और रुकना चाहिए। यदि फिल्म का फिर भी खराब प्रदर्शन रहा तो फिल्म का नया अंत यानी कि नई एंडिंग शूट कर लेंगे। उनकी बात मान ली गई, लेकिन एक दो दिन बाद फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर सुधर गया और बेहतर होता चला गया। जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद तथा धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया, जबकि अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर फिल्म सफल रहेगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ को जंजीर रिलीज होने से पहले ही शोले फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था। ठाकुर के रोल के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया, जो सिप्पी फिल्म्स की कई फिल्में पहले कर चुके थे। लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के कायल थे। सीता और गीता में वह संजीव के साथ काम कर चुके थे, अतः परिणाम संजीव के पक्ष में ही रहा। शोले फिल्म में गब्बर सिंह को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया था, जो कि सैन्य की पोशाक पहनता था। इससे पहले दिलीप कुमार की गंगा जमुना या सुनील दत्त की मुझे जीने दो फिल्म में डाकू धोती कुर्ता पहनकर आते थे और माथे पर लंबा तिलक लगाते थे। ये सारी चीजें सिप्पी को पसंद नहीं थी। गब्बर का रोल पहले डैनी करने वाले थे, लेकिन वे फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए डेट दे चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। फिरोज और रमेश सिप्पी दोनों अपने शेड्यूल बदलना नहीं चाहते थे, लिहाजा डैनी के हाथ से शोले फिल्म फिसल गई। शोले फिल्म में एक कमाल का सीन है, जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही है और अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। वह मुश्किल 2 मिनट वाले इस सीन को फिल्माने में पूरे 20 दिन का समय लग गया था। सांभा का रोल मैकमोहन ने निभाया था। जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके डायलॉग ना के बराबर हैं, तो वे बहुत दुखी हुए। निर्देशक रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिलाया, यदि फिल्म चल निकली तो वे बेहद लोकप्रिय हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। शोले फिल्म के एंड में पहले ये दिखाया गया था कि गब्बर को ठाकुर मार डालता है, लेकिन सेंसर बोर्ड को ये सीन पसंद नहीं आया और बाद में इस सीन को बदल दिया गया। आपको बता दें, 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई फिल्म शोले ने भारत की 60 जगह गोल्डन जुबली और 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई थी। 3 से 4 करोड़ रुपए में बनी फिल्म शोले का मुंबई स्थित मिनर्वा सिनेमाघर में प्रीमियम हुआ था। तो
तो जाते जाते आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आपने फिल्म शोले नहीं देखी तो बॉलीवुड में कुछ नहीं देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।